बिलासपुर जिले के रतनपुर में पुलिस की संदिग्ध कार्य प्रणाली से एक बार फिर बिरनपुर जैसे हालात बन गए हैं। रेप पीड़िता की मां को जेल भेजने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने रतनपुर थाने का घेराव करके जमकर हंगामा किया। उन्होंने टीआई समेत जिम्मेदार पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने और पीड़िता को न्याय देने की मांग की है। इसके साथ ही रविवार को रतनपुर बंद करने का ऐलान किया है। इधर बिगड़ते हालात को देखते हुए पुलिस भी अलर्ट हो गई है और रतनपुर में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया गया है। बिलासपुर जिले के रतनपुर में अनाचार पीड़िता की विधवा मां की गिरफ्तारी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की मां को पॉक्सो एक्ट की धारा में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दुष्कर्म पीड़िता की मां पर काउंटर केस दर्ज करने के विरोध में हिंदू संगठन के लोगों ने रतनपुर में रैली निकालते हुए थाने का घेराव किया। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्होंने पुलिस कर्मियों को चूड़ियां भी भेंट की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए जिन्होंने सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। हंगामा के बाद बिगड़ते हालात को देखते हुए एडिशनल एसपी सिटी एसडीओपी कोटा सहित तहसीलदार थाने में देर रात तक डटे रहे। जिले भर से पुलिस जवानों को रतनपुर बुला लिया गया है। करीब दो घंटे तक यहां जमकर बवाल मचा। आंदोलनकारियों ने पीड़िता को न्याय नहीं मिलने पर रतनपुर बंद का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। थानेदार को निलंबित किया जाए और लड़की को जल्द से जल्द न्याय मिले और जो महिला के ऊपर अत्याचार हुआ है तो जो विरोधी पक्ष है उनके ऊपर FIR दर्ज करके उन पर उचित कार्रवाई की जाए। क्या लग रहा है मामला? मामला तो सर्वविदित है कि जो पूर्व से क्या बोलते हैं जो महिला थी उसके ऊपर केस किया जा चुका है और ये विरोध में ये कार्रवाई की गई है और इसमें निश्चित रूप से सत्ता का प्रयोग और शक्ति का प्रयोग और धन का प्रयोग इसमें निश्चित रूप से हुआ है। आगे हम लोग कल अगर विरोधी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो नगर बंद का आयोजन रखेंगे और नगर बंद के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती तो उग्र आंदोलन की कार्रवाई के लिए हम लोग तत्पर हैं। रतनपुर के कद्दावर भाजपा नेता हकीम मोहम्मद के भतीजे आफताब मोहम्मद को पुलिस ने 23 मार्च को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उस पर नाबालिका दैहिक शोषण के संगीन आरोप लगे थे। अब उसी आरोपी के बुआ के नाबालिग लड़के के साथ छेड़छाड़ के आरोप में अनाचार पीड़िता की मां को रतनपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसके बाद पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जब दोनों परिवार के बीच विवाद था तो नाबालिग उसके घर कैसे गया। मां की गिरफ्तारी के बाद से नाबालिग पीड़िता पुलिस की कार्रवाई पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। पीड़िता का आरोप है कि पहले उस पर केस वापस लेने का दबाव बनाया गया और जब केस वापस नहीं लिया गया तो झूठे मामले में उसकी मां को फंसा कर जेल भेज दिया गया है। दो महीने पहले केस चल रहा था जिसमें मेरे साथ गलत किया गया था, मेरे साथ मारपीट किया गया था, बहुत मानसिक प्रताड़ना किया गया था, तो मम्मी मेरा साथ दी केस करवाई और जो मेरे साथ गलत किया था जो आदमी उसको जेल करवाई मेरी मम्मी। तो तीन महीने से हम लोग को बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहे थे कि आप पैसा ले लो, कॉम्प्रो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बहुत ज्यादा मानसिक प्रताड़ना करवा रहे थे। हम लोग कॉम्प्रो करने के लिए एग्री नहीं हुए तो आज मेरी मम्मी को झूठा केस बना के उसको जेल के अंदर बंद करवा दिए हैं ताकि मैं केस वापस ले लूं। ये FIR आज ही हुई और आज ही उनको उठा लिया गया? हाँ, आज ही FIR हुआ बिना किसी सूचना के उनको लेके चले गए। और अभी आपकी मम्मी कहाँ है? दुष्कर्म पीड़िता की मां को गिरफ्तार करने के बाद जिस तरह से रतनपुर के हालात बिगड़े हैं उसे संभालने पुलिस ने पूरा जोर लगा दिया है। बाहर से फोर्स बुलाकर प्रदर्शनकारियों को शांत रखने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि दोनों ही पक्षों की शिकायत को गंभीरता से लिया जा रहा है और इस मामले में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे आकर के थाना प्रभारी को निलंबित करने संबंधी ज्ञापन दिए हैं और कल नगर बंद करने की सूचना दिए हैं। हम उच्च अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं। क्या मांगे सर? लोगों का कहना है कि जो अन्नपूर्णा पांडे के विरुद्ध जो कार्रवाई की गई है, यहाँ पे जो ग्रामीण उपस्थित हैं उनका ये कहना है कि उनके विरुद्ध जो कार्रवाई की गई है वो गलत हुआ है और उसी की जाँच कराने की मांग कर रहे हैं और जाँच कराने की मांग के साथ साथ जो यहाँ अभी वर्तमान में पदस्थ थाना प्रभारी उसको निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। उस संदर्भ में ज्ञापन प्राप्त हुआ है और साथ में कल नगर बंद करने का जो सूचना दिए हैं हम इसके लिए उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे। इस पूरे मामले में पता चला है कि रेप पीड़ित युवक का करीबी रिश्तेदार हकीम मोहम्मद भाजपा नेता और पार्षद है। जब रेप का केस दर्ज हुआ तब भी पीड़ित परिवार पर दबाव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन परिजन दबाव में नहीं आए। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस मामले को किस ढंग से लेती है। SN News के लिए रतनपुर से रवि तंबोली के साथ कान्हा तिवारी की रिपोर्ट।